प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं और इस हफ्ते के पहले दिन की जो मन्ना है उसी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आज की जो विषय हम लोग ये बार मेरा एक भवन बनवा उसी के विषय में हम लोग ने देखे थे और उसका बचा हुआ जो भवन के विषय में छह बात और है लेकिन वो हम आगे लेंगे। आज एक नए विषय में हम जाएंगे क्योंकि हम तेशवा की समय है, ये 40 दिन की जो तेशवा है उसी समय है, इसलिए हम तेशवा के विषय में वचन से कई बातों को देखेंगे। तो आज का जो विषय है वो है तेशवा सर्वशक्तिमान की ओर। ये आयुब के किताब 22वां अध्याय 23वां वचन है और यहाँ पे हम आज पांच जो इस विषय के नीचे जो पांच विषय है उसी को हम देखेंगे। तो पहला है तेशवा की 40 दिन और दूसरा है तीन शब्द जो है उसी के विषय में हम देखेंगे और तीसरा जो है तेशवा का 4 महत्वपूर्ण कार्य और चौथा जो है कल्याण सुख और बचना या छुटकारा उसी के विषय में और पांचवा जो है न सुनने से क्या है उसी के विषय में हम देखेंगे। तो ये जो पांच जो छोटा विषय है उसी को हम एक एक देखेंगे। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग छठवा महीने में है, तो छठवा महीना जो है वो है एलुल और ये महीने अगस्त 9 तारीख को छठवा महीना शुरू हुआ है और गैर बार मैंने एलुल जो छठवा महीने के विषय में कई बातों को आपको बताया। तो आप अगर नहीं देखा नहीं समझा तो वापस आप दोबारा देख सकेंगे। तो आज इस नए विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें समझ दे ताकि उसके पवित्र वचनों को और उसके समयों को पहचानने के लिए खुदा से हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते, विशेष करके आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु रोटी तोड़ते टाइम हमारी समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि वचनों को अच्छे से हम समझ सके और हम समय को पहचान सके और आपके नाम की महिमा कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को समझ दे ताकि तेरे पवित्र प्रकाशित किए हुए बातों को हम समझ सके। अपने मन से कोई बात न बताए प्रभु, लेकिन आपके वचनों से हर एक चीज बताने के लिए जो मसीह का जो मन है वो हमारे अंदर होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। सबों को आशीष कर, शैतान के सब कामों से लंबे विश्वास से हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है तेशवा सर्वशक्तिमान की ओर, आयुब के किताब 22वां अध्याय 23 वचन है, हम उसको आगे देखेंगे। तो पहला जो विषय तेशवा के जो 40 दिन है उसी के विषय में हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे। तो छठवा महीना एलुल के पहले दिन से सातवां महीना जो है तिशरी या यथानी इसका 10वां दिन, तो ये है 40 दिन का जो तेशवा कहता है। वापिस मैं याद दिलाना चाहता हूं कि छठवें महीने एलुल महीने के पहले दिन से सातवां महीने तिशरी, सातवां महीना है तिशरी या यथानी, उसके 10वां दिन तक आप उसको जोड़ेंगे तो 40 दिन आपको दिखेंगे। तो ये 40 दिन विशेष करके तेशवा की समय, मतलब पश्चाताप की समय, मुड़ने की समय, परमेश्वर की ओर लौटने का समय। और ये साल एलुल जो पहला दिन है वो अगस्त 9 तारीख है और सातवां महीना तिशरी यथानी जो अगला महीना होगा उसका 10वां दिन है सितंबर 16 तारीख। तो इसी को याद रखना।
और विशेष करके 40 दिन के विषय में हम निर्गमन इसका 34वां अध्याय 28 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया और उसने उन तख्तियों पर वाचा का जो वचन है अर्थात 10 आज्ञा लिख दिया। तो ये 10 कमांडमेंट जो है 10 आज्ञा, तो निर्गमन की जो किताब जो हम अभी बताए 34:28, ये जब मूसा बाइबल के अंदर लिखा है 40 दिन यहोवा के जब संग थे, ये दोबारा उन्होंने पर्वत के ऊपर गया और उनका जो जाने का जो दिन था वही एलुल महीना का पहला दिन था और वो लौटा तीसरी मतलब सातवां महीना 10वां दिन में वो लौटा। मतलब यहां पे भी आपको 23वां की 40 दिन यहां पे भी आपको दिखने में आएंगे। इसलिए ये वचन जो आपने पढ़ा कि मूसा बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा के संग 40 दिन था, तो ये एलुल महीना मतलब छठवां महीने के पहले दिन से सातवां महीना तिशरी या एतानीम इसका 10वां दिन पर्वत के ऊपर थे, मतलब 40 दिन वो वहां पे थे। तो ये 40 दिन का जो 23वां की समय है। और एक उदाहरण हम वचन से देखेंगे वो है हगई की किताब जब हम पढ़ता है हगई का किताब पहला अध्याय पहला वचन, हगई का किताब पहला अध्याय 15 वचन और हगई का किताब दूसरा अध्याय पहला वचन, ये तीनों वचन साथ में जब हम पढ़ेंगे तो हगई की किताब पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है छठवें महीने के पहले दिन, और आप 15 वचन पढ़ेंगे तो छठवें महीने के 24वां दिन भी लिखा है और दूसरा अध्याय पहला वचन में सातवां महीना 21वां दिन लिखा है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी 40 दिन वहां पे आपको दिखने में आएंगे, क्योंकि एलुल महीना पहले तारीख से सातवां महीना 21 तारीख मतलब उसमें 40 दिन भी वहां पे है। और जैसे मैंने आपको कहा कि एलुल जो पहला दिन है वो है अगस्त 9 तारीख, एलुल 24वां तारीख मतलब ये अगले महीना सितंबर 1 तारीख और तीसरी सातवां महीना 21वां दिन मतलब सितंबर 27 तारीख। और यहां पे तीन पर्व भी है, रोश शसाना जो है तुरे फूकने का जो समय ये सितंबर 6 तारीख है और प्रायश्चित का जो पर्व है यौम किपुर वो सितंबर 16 तारीख है और तंबुओं का जो पर्व है वो है झोपड़ियों का पर्व वो सितंबर 20 से सितंबर 27 तारीख। तो यहां पे तीन पर्व भी है, तो ये तीनों पर्व के अंदर और एलुल महीना जो पहले तारीख से आप अगर यहां पे भी देखेंगे तो आपको 40 दिन आपको दिखने में आएंगे। तो मैंने दो उदाहरण आपको 40 दिन जो 23वां की समय है ये आपको दर्शाया और उसमें एक विशेष वचन क्यों ये 23वां की समय है ये आपको समझाने के लिए जब हम हगई की किताब पहला अध्याय 5 और 7 जब हगई ने प्रचार करने शुरू किया वो एलुल के पहले दिन मतलब छठवां महीने के पहले दिन उन्होंने प्रचार किया, तो उस टाइम उन्होंने 5वां वचन में इजरायली लोगों से यह कहा, उन्होंने लिखा है कि इसलिए आप सेनाओं का यहोवा यू कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तो ये जो हगई की किताब में पहला अध्याय है पहला वचन से 6वां वचन जब पढ़ेंगे वो पहला दिन प्रचार किया, 7वां वचन से 15वां वचन आप पढ़ेंगे वो 24वां दिन उन्होंने प्रचार किया। तो ये दोनों टाइम जब प्रचार करते टाइम पहले दिन और 24वें दिन उन्होंने दोनों समय ये वचन को प्रचार किया कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। ये उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं कहा, प्रभु की आत्मा से प्रभु ने उनको प्रेरणा दिया उसी के द्वारा उन्होंने कहा गया। और ये जब दो बार लिखा गया तो ये जो वर्ड है इंग्लिश में कंसिडर और यो है ध्यान वो इब्रानी भाषा में है
सीम सीम का मतलब है मुड़ो या लौटो, मतलब ये तेशवा। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि ध्यान, बाइबल के अंदर लिखा है मतलब तेशवा करो करके परमेश्वर ने कहा। चाल चलन पर ध्यान करो, मतलब चाल चलन पर तेशवा करो, मतलब खुदा की ओर मुड़ो। तुम अपने चाल चलन को ध्यान दो कि कुछ न कुछ उनके जीवन में गति हो रहा था, परेशानी आ रहे थे, पैसे की कमी, खाने का समस्या, बहुत से समस्या वहां पे आपको दिखने में आएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा, देखो आप खुदा की भवन नहीं बना रहा है, सब लोग अपने अपने अच्छे बनाए हुआ घर में रहते हैं, लेकिन मेरा भवन जो है उजाड़ पड़ा है, खाली पड़ा है, कोई मेरे भवन को बना रहा नहीं। तो इसलिए खुदा ने उनसे कहा, देखो ये आप काम नहीं कर रहा, इसलिए आपका जो व्यक्तिगत जीवन में बहुत से समस्या आज खड़ा है, खाना नहीं, पीना, पीने के बारे में, कपड़े के बारे में, पैसे के बारे में, सब चीज खुदा ने वहां पे 1 से 6 वचन जो आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया। और ये जो चाल चलन पर ध्यान करो, इसी के आधार पर एक वचन विलाप गीत इसका 3रा अध्याय 40वें वचन में यिर्मयाह नबी कहता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। तो बाइबल में लिखा है ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे, मतलब हम खुदा के सामने तेशवा करें, मतलब हम खुदा की ओर लौटे मुड़े। इसलिए यहां पे भी लिखा गया, तो चाल चलन पर ध्यान करो का मतलब है कि हम तेशवा करना है, खुदा की ओर मुड़ना है। इसलिए यहाँ पे ये वचन आपको याद दिलाया, विलाप गीत इसका 3रा अध्याय 40वें वचन, और उसी के जुड़ा हुआ भजन संहिता इसका 139, और उसका 23 और 24 वचन, 23-24, ये भी वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि ये परमेश्वर मुझे, बाइबल में लिखा है कि मुझे जांच कर, जांच ले, मुझे परख कर, मेरी चितनियों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो ये एक प्रार्थना था कि मुझे जांच कर मेरे चाल चलन। तो आज हम भी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे अगर कोई चाल चलन गलत है तो हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि कोई भी अगर बुरी चाल हमारे अंदर है तो हम उसे मुड़ जाए। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए ये जो तेशवा की समय है, ये जो 40 दिन जो है प्रार्थना और परमेश्वर की ओर मुड़ने का समय है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 40 दिन ही प्रार्थना में याद करें, लेकिन हर वक्त, हर पूरे साल हम प्रार्थना कर सकता है, पश्चाताप कर सकता है, लेकिन ये खुदा ने दिया हुआ जो नियुक्त समय है ये कीमती है, इसलिए हमें इस बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। और निर्गमन इसके 34वां अध्याय 9वां वचन में, जब मूसा पर्वत के ऊपर थे, उनको परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर बहुत से बातों को उनको सिखाया, और उसमें परमेश्वर ने 13 जो बात है उनको, परमेश्वर की जो गुण है उसी के विषय में उनको समझाया, और उसमें पश्चाताप की बात भी खुदा ने उनको बताया गया। उसी के आधार पर निर्गमन इसके 34वां अध्याय इसका 9वां वचन में मूसा ये सब सुनने के बाद परमेश्वर से कहा, और उसने कहा, ये प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले, ये लोग हठीली तो है तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपने नीच भाग, बाइबल के अंदर लिखा है मान के ग्रहण कर। तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर से यहां पे अधर्म और पाप को क्षमा करने के लिए खुदा से विनंती किए, क्योंकि खुदा ने उनको 13 जो
खुदा की जो गुण है उनको बताया गया, उसी के आधार पर उन्होंने खुदा के सामने दंडवत किया, सामने झुके और खुदा से क्षमा मांगा, अधर्म और पाप के लिए उन्होंने क्षमा मांगा। जब उन्होंने खुदा से दिल से, जब आखिरी 10 दिन बाकी थे लौटने के लिए, तभी उन्होंने खुदा से विनंती किया और खुदा से क्षमा मांगा। जब उन्होंने क्षमा मांगा तो निर्गमन उसके 34वां अध्याय उसका 10वां वचन में खुदा ने क्या कहा, देखो खुदा ने कहा, उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूं तेरे सब लोगों के सामने, मैं ऐसा आश्चर्य कर्म लिखा है, आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। तो यहां पे लिखा है कि वह भयंकर काम है, इसलिए खुदा ने वहां पे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने वहां पे किया, इंग्लिश में लिखा है मार्वल्स। तो इसलिए उन्होंने पश्चाताप की ओर से, तो आज हम भी अगर दिल से पश्चाताप करेंगे, खुदा हमारे जीवन के अंदर भी आश्चर्य काम करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए हम हर समय खुदा से तेशवा करें, उसके ओर लौटे, उसके ओर मुड़े और पश्चाताप करें, ताकि खुदा हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, यहाँ पे 3 शब्द है उसी के विषय में हम देखेंगे। पहला है फिरना, दूसरा है लौटना और तीसरा है पश्चाताप। और ये तीनों भी कई जगह पे हम जब पढ़ेंगे, हर बार ये इसका अर्थ जो है तेशुआ मतलब खुदा की ओर मुड़ने के लिए खुदा ने कहा। ये इब्रानी भाषा में आप जब देखेंगे तो हर जगह पे मुड़ने के लिए खुदा ने मनुष्य से कहा गया। पहले हम शब्द जो है फिरने के विषय में हम देखेंगे, फिरे या फिरना। जैसे दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7:14 यहां पे लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरी दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो यहां पे जो लिखा है फिरे, ये इंग्लिश में वर्ड है टर्न, तो ये इब्रानी भाषा में शुभ या शुआ, शुभ शुभ से आया, शुभ शु है तेशुआ, तो वहां से आया तेशुआ मतलब लौटना मुड़ना। तो बार बार खुदा ने वचन में लिखा है, तो ये जो वर्ड हमने देखा फिरना, तो इसका मतलब है तेशुआ। जैसे यिर्मयाह नबी 3रा अध्याय वहां पे 14 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा गया है, यिर्मयाह नबी लिखता है यिर्मयाह चैप्टर 3:14, ये भटकने वाले लड़कों मतलब बच्चे लौट आओ, वो बच्चे से कहता है कि लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं मतलब मैं तुम्हारा पति हूं। और इज़राइल बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का पत्नी है और कलेशिया जो है उसकी शरीर है। बहुत बार बहुत से लोग कहता है कि कलेशिया बाइबल के अंदर लिखा है उसका वधु है, लेकिन कलेशिया उसका वधु नहीं, उसका शरीर है। वचन में लिखा है कि आप कुरिन्थियों की किताब पढ़ेंगे, परमेश्वर की दास पौलोस इस विषय में अन्य जातियों की मंडली के लिए खास लिखा गया कि कलेशिया के लिए खुदा जो है वो हम उसके शरीर है, वो हमारा सिर है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लिखा यहाँ पे कि मैं तुम्हारा पति हूं या स्वामी हूं, तो खुदा को एक ही बीवी हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, इसलिए ये वचन को जानना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर यहां पे भी जो वचन आप देखा होगा लिखा है कि भटकने वाले बच्चों लौट आओ, ये भी वर्ड जो लौट लिखा है इसका भी मतलब है तेशुआ, इसी को भी आप याद रखना।
और परमेश्वर के जो राजा था सुलेमान, उन्होंने नीति वचन पहला अध्याय 23 वचन में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मतलब तेशवा करो, मन फिराओ मतलब तेशवा करो, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। तो बाइबल के अंदर लिखा है वो आत्मा उंडेल दूंगी, और लिखा है वचन भी बताऊंगी। तो आज अगर हमें आत्मा भी चाहिए वचन भी चाहिए तो हमें तेशवा करना है, खुदा की ओर हमें मुड़ना है। तो इसलिए ये वचन भी यहाँ पे लिखा गया। और जब नए करार में जब आते हैं नए नियम में, तो लुका की किताब 1:16 में जब हम आते हैं वहां पे भी लिखा है कि ये यूहन्न बापतिस्मा जो था, यूहान जो बापतिस्मा, इनके विषय में लिखा गया जब उनका जन्म हुआ तो ये लिखा गया वहां पे, और इसराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। तो ये जो वर्ड फिरेगा ये भी तेशवा है, ये भी शुभ तेशवा शुआ। तो आज यहाँ पे भी फिरेगा मतलब, और ये यूनानी जो भाषा है इसमें ये लिखा है फिरेगा का मतलब है टर्न, मतलब ये है एपिस्ट्रिफो, एपिस्ट्रिफो का भी मतलब लौटना, मतलब वही तेशवा है लेकिन ये यूनानी भाषा में एपिस्ट्रो एपिस्ट्रिफो, लेकिन इब्रानी भाषा में तेशवा शुभ शुआ तेशवा। इसलिए ये सब जगह वही अर्थ है, चाहे वो जुना पुराना नियम में है या नया नियम में, अर्थ वही है, मतलब हम खुदा की ओर मुड़ना है, हम तेशवा करना है। तो प्रेरित की किताब 14:15 Acts 14:15 यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये जो जुपिटर के लोग जो थे, मतलब ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी, उन्होंने बैल और फूल बलिदान के लिए पॉल और बार्नबास के सामने ले आए थे। उसी टाइम परमेश्वर के दास पौलुस ने उन जो ज्यूस की मंदिर का जो पुजारी था उसे कहा, ये लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीते परमेश्वर की ओर फिरो। लिखा कि जीते परमेश्वर की ओर फिरो मतलब तुम तेशवा करे, और तेशवा तुम्हें शक्तिमान परमेश्वर जो यशवा है उसी के सामने करना है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पाप बीमार मरण के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया और तीसरे दिन वो जीवित हुए, इसलिए उनके ओर हमें क्षमा मांगना है। इसलिए यहां पे लिखा है कि परमेश्वर की ओर फिरो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तो वो खुदा जिसने सब कुछ बनाया बोले ये व्यर्थ बात वस्तुओं को क्यों तुम ले आए बलिदान कर रहे हो, तुम बैल ले आए फूल ले आए बलिदान करने के लिए। तो बैल और फूल की बलिदान नहीं चाहे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं अपना जीवन बलिदान किया, इसलिए कहा कि व्यर्थ वस्तु से अलग होकर जीते परमेश्वर की ओर फिरो। तो आज हम जो सेवा करता है हमारा जो शक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तेशवा याश्वा से करना है, तो हमारी तेशवा जो है याश्वा से होना चाहिए। तो ये है मैंने आपको पहला जो शब्द है फिरने के विषय में आपको बताया। अब दूसरा जो शब्द है वो है लौटना, ये भी वचन में लिखा गया है लौटना। इसलिए यर्मिया नबी यर्मिया की किताब 3:22 बुक ऑफ यर्मिया Chapter 3:22 तो यर्मिया की किताब 3:22 में लिखता है, ये भटकने वाले लड़कों, अभी हिंदी में लड़कों लिखा है लेकिन बच्चे, लौट आओ मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। तो खुदा ने लिखा है तुम्हारा जो भटकना है मैं सुधार दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है लौटना है। ये जो वर्ड लौटना इब्रानी भाषा में शुभ शुभ उधर से आए, शु मतलब तेशुआ शुआ, तो
तो वहां से आया तेशुआ, इसलिए लौटना का भी मतलब है तेशुआ, और तेशुआ याश्वा से करना है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारे पापों के लिए मरकर जीवित हुआ, इसलिए उनके सामने आपको क्षमा मांगना है। इसलिए होशे की किताब छेवा अध्याय पहला वचन में ये नबी भी लिखता है, देखो, चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमें हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा। तो पट्टी बांधने का काम वही करता है। तो इसलिए लिखा कि यहोवा की ओर फिरो, मतलब याश्वा की ओर फिरो, वही है तेशुआ। तो यहोवा के ओर फिरो मतलब येशुआ की ओर तेशुआ करो, ताकि खुदा आपको जरूर आशीष करे। नए करार के अंदर, नए नियम में, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 25 वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 25, वहां पे भी आप जब पढ़ेंगे लिखा है कि क्योंकि तुम पहले भटकी हुई हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों का रखवाले, लिखा है कि अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहां पे भी वर्ड नए नियम में लौट, लौटना, इसका यूनानी भाषा में एपिस्ट्रिफो, तो ये भी है मुड़ना, एपिस्ट्रिफो या तेशवा, ये आपका सब एक ही है, ये है परमेश्वर की ओर मुड़ना। तो इसलिए लौटने के विषय में भी आपको बताया, ये दूसरा शब्द था, पहला शब्द था हमने देखा कि परमेश्वर की ओर फिरो या फिरना, दूसरा शब्द हमने देखा लौटना, अब हम तीसरा शब्द देखेंगे, वो है पश्चता। एजिकेल के जो किताब है, ये नबी लिखता है, देखो 18वां अध्याय 30 वचन, एजिकेल चैप्टर 18 वर्स 13 लिखा है कि पश्चता करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। यहां पे जो पश्चाताप है, इब्रानी भाषा में शुभ शुआ चुआ मतलब तेशुआ, मतलब परमेश्वर की ओर लौटो, लौटना। तो ये भी बाइबल के अंदर लिखा है, पश्चाताप का अर्थ वही है, तो तेशुआ है। इसलिए हर बार आप देखेंगे वचन में, बार बार खुदा इसराइलियों को लिखा गया, नए करार के अंदर नए नियम में भी लिखा गया कि हम पश्चाताप करें, मतलब वो यूनानी भाषा में एपिस्ट्रिफो, इसका सब अर्थ ये है कि हम खुदा की ओर हमको लौटना है। और यहाँ पे और एक वचन हम जब पढ़ेंगे पश्चाताप के विषय में, पहला राजा 8वां अध्याय 46 से 49 वचन आप पढ़ सकता है, पूरा वचन मैं नहीं पढ़ रहा हूं, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 46 to 49। और ये जो आप पढ़ेंगे, यहाँ पे सुलेमान राजा 7 प्रार्थना कर रहे, और ये है 7वां प्रार्थना, जब मंदिर जब उन्होंने बनाया तो उस टाइम उन्होंने 7 प्रार्थनाएं किए थे, बोला खुदा अगर कोई भी इस मंदिर के अंदर आके प्रेयर करेंगे तो आप सुनना। इसलिए उनका सुलेमान राजा का 7वां जो प्रार्थना था वो इस प्रकार लिखा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को, चाहे वे दूर हो चाहे निकट, ले जाए, और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे, बंधुआई की देश में सोच विचार करे और फिरकर, ये जो वर्ड है फिरकर, ये है पश्चाताप, इंग्लिश में लिखा रिपेंट, मतलब पश्चाताप करना या फिरकर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाकर कहे। तो ये पश्चाताप करना, कई बार हम गिड़गिड़ाना है, हमें लंबे श्वास लेना है और खुदा से विनती करना है कि हम अपने पाप, लिखा है कि हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, तो उन्होंने स्वीकार कर रहा है और परमेश्वर से एक तेशवा कर रहा है। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति उस मंदिर में आकर अगर ऐसे प्रार्थना करे तो स्वर्ग से सुना
और उनके जो भी इच्छा है उसको पूरा करना। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये पश्चाताप के विषय में आपको बताया। अब एक विशेष बात और आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो है अय्यूब की किताब 42वां अध्याय छठवां वचन, जोब चैप्टर 42 वर्स 6, यहां पे लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और रात में पश्चाताप करता हूं। यहां पे ये जो वर्ड पश्चाताप है ये एक इब्रानी में और एक वचन है, जैसा तेशुआ है वैसा एक दूसरा इब्रानी में एक वचन है, ये है नाखाम। तो ये और एक शब्द है और उसका शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ ये है, वो शब्द जो है वो है नाखाम। नाखाम का जो अर्थ है वो है जोर से श्वास लेना या लंबा सांस लेना। जब आप लंबा श्वास लेते हैं, जैसे आप लंबा श्वास लेंगे तो आप गलतियों को स्वीकार कर लेंगे, परमेश्वर से क्षमा। जब कई बार गलती होता है तो हम एक लंबा श्वास लेते हैं और इसी के द्वारा क्या है, हम पाप स्वीकार करता है और या पाप पाप से हमें बहुत दुखित होता है पाप किया, इसलिए कई बार हम दुखित होकर लंबा श्वास लेता है या जोर से श्वास लेता है क्योंकि हमारे हाथ से कुछ गलती हो गई। जब हम लंबा श्वास लेता है तो हम परमेश्वर को स्वीकार कर रहे, पाप को अंगीकार कर रहे, और जब श्वास छोड़ रहे तो हम गलतियों को छोड़ रहे, परमेश्वर से विनती कर रहे, गलती हुआ क्षमा कर दया कर। तो हम जब गिड़गिड़ा कर और लंबे सांस लेकर उसे जब प्रार्थना करता है तो गॉड जरूर हमें आशीष करेंगे। और ये चीज अय्यूब ने किया गया क्योंकि अय्यूब बिना गलती करते हुए, गलती न किया लेकिन हम जानते कि सभी लोग जन्म से पापी है, तो आज इसलिए उन्होंने भी यहां पे लिखा है कि मैं धूल और रात में पश्चाताप करता हूं। तो ये उन्होंने नाखाम मतलब लंबे सांस उन्होंने लेकर खुदा से क्षमा मांगा और खुदा ने लिखा है कि उनके आखिरी जीवन को खुदा ने आशीष किए। शुरुआत में उनके जीवन में बहुत से समस्याएं थे, उनके बच्चे चले गए, उनके पास जितने भी चीज थे उनका संपत्ति सब चला गया। उन्होंने कहा कि उनका बीवी ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को शाप कर, और क्योंकि उनका बीमार इतना था, तकलीफ इतने थे और वो भी परेशान होकर उन्होंने भी कहा। उनका तीन दोस्त था, उन्होंने भी आकर उनके विरुद्ध बहुत से बातों को उन्हें सुनाया। तो ये सब अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर सब कुछ उन्होंने अजमा कर उन्होंने आखिरी में खुदा से क्षमा मांगा, लंबा सांस लिया और खुदा ने उनके आखिरी जीवन को आशीष के लिखा है कि उन्होंने चार पीढ़ी को देखा गया। इसलिए ये पश्चाताप हमें ये भी हमें याद दिलाता है, लंबा सांस लेना ये भी पश्चाताप है, ये भी आप याद रखना। और प्रेरित की किताब तीसरा अध्याय 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं, एक्स चैप्टर 3:19, यहां पे लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु की सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो अगर आपको विश्रांति के दिन चाहिए, आशीष चाहिए, तो हमें मन फिराना है, हमें लौटना है। ये भी जो वर्ड है यहां पे, ये जो मन फिराओ, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो वर्ड यहां पे इंग्लिश में जो है रिपेंट पश्चाताप, ये यूनानी भाषा में जब आप पढ़ेंगे यूनानी भाषा में मेटनोइओ का भी मतलब वही है कि हम अलग हमें सोचना है। बाइबल के अंदर लिखा है पुनर्विचार हमें करना है, इसलिए हमें अलग सोचना है। इसलिए ये जो पश्चाताप नए करार के अंदर, नए नियम के अंदर ये जो वर्ड इंग्लिश में दूसरा वर्ड लिखा है कन्वर्टेड, मतलब बाइबल में लिखा है लव भाव, इंग्लिश में कन्वर्टेड, वो भी लिखा है कि एफी स्ट्रिफो मतलब मुड़ना।
तो आज हर जगह पे खुदा यही दिखा है कि हम खुदा की ओर मुड़े, हम तेशवा करें, हम बाइबल के अंदर लिखा है नाकाम करें, लंबे श्वास ले, खुदा से हम उसके सामने झुक जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लूका की किताब 15वां अध्याय 10वें में हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 15 वर्स 10, वहां पे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। तो कोई भी अगर बाइबल के अंदर लिखा है मन फिराने वाले पापी, मतलब ये भी यूनानी भाषा में मेटनो एहो मतलब हम परमेश्वर की ओर लौटे। इसलिए ये जो तीन शब्द जो मैंने आपको बताया कि पहला है उसके सामने फिरना है, दूसरा लौटना है, तीसरा है पश्चाताप करना है, इसका सब अर्थ जो है तेशवा है या नाकाम है। तो ये वाक्य को हम समझ कर हम खुदा के सामने लंबे सांस लेकर अपने गलतियों को स्वीकार करें, पापों को मान ले और खुदा के सामने झुक जाए, क्योंकि वही तुम्हारा पाप जो है क्षमा कर सकता है। इसलिए हमारा तेशवा यीशुआ से होना चाहिए, इस बातों को ध्यान करें। और ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य जब आप दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे वहां पे 7 कलेशियां हैं, उसमें से 5 कलेशिया से वहां पे कहा गया कि कलेशिया से कहा गया कि पश्चाताप करो, 5 कलेशिया से, क्योंकि वहां पे भी निकोलेटियन की शिक्षण थे और बालन की शिक्षण थे, इजिबियल की शिक्षण थे, बहुत से प्रेरित थे जो जुटे थे और बहुत से गलतियां मंडली के अंदर थे। इसलिए मंडलियों से भी कहा खुदा से पश्चाताप मांगो, लोगों से भी कहा खुदा से क्षमा मांगो, तेशवा करो, बाइबल के अंदर लिखा है नाकाम करो, लंबे श्वास लो ताकि प्रभु हमें क्षमा करे। तो आज हम मंडलियों से भी खुदा कहता है ये हमें करना है, क्योंकि ये तेशवा की समय है, नियत समय खुदा ने हमें दिया है और हमें खुदा से विनंती प्रार्थना करना है ताकि प्रभु हमें आशीष करे, क्योंकि ये नागरिक पंचांग में ये आखिरी महीना है, 12वां महीना है। इसलिए इस बातों को भी याद करना, नए साल में जब जा रहे ये नागरिक पंचांग जो नए साल में जाने से पहले खुदा की इच्छा है कि हम जो भी गलती मानकर खुदा के सामने जो योग्य है वही चीज हम करें। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, वो है तेशवा का 4 महत्वपूर्ण कार्य, वो क्या है हम देखेंगे। हम विशेष करके आयुब की किताब 22वां अध्याय 23 वचन में जब आएंगे, जो चैप्टर 22-23, यहाँ पे जो तीन व्यक्ति जिन्होंने आके आयुब से बात किए थे उसमें से एक था एलिफास। ये एलिफास जो व्यक्ति था वो तेमान से थे, तेमान मतलब इदम जो था वहां से थे, और वहां पे कुछ लोग थे बहुत बुद्धिमान थे। इसलिए यिर्मयाह की किताब 49वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है कि वहां पे बुद्धिमान लोग थे, और ये जो एलिफास उनका तीसरा जो भाषण उन्होंने आयुब से जो किया था, वार्तालाप किया, भाषण किया था, वो ये था जो आयुब 22-23 में जो चैप्टर 22-23 में उनको लिखता है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे। ये है हमारा आज का जो विषय, तेशवा सर्वशक्तिमान की ओर। तो मतलब आज हमारा सर्वशक्तिमान है यीशुआ, इसलिए हमारी तेशवा यीशुआ से होना चाहिए। लिखा है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने तेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। लिखा है कि तू बन जाएगा, तो ये आयुब से कहा गया। लेकिन वहां पे ये भी है कि 5 आशीष भी है वहां पे, कि खुदा कहता है कि अगर कोई मेरे ओर लौटता है, तेशवा करता है, पश्चाताप करता है। तो यहां पे आयुब की किताब 22वां अध्याय 24-26 वचन जब पढ़ेंगे, जो चैप्टर 22-24-26 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे 5 आशीष ये है। एक है ओफीर का कुंदन, वो है सोने के बारे में लिखा गया,
फिर वहां पे लिखा है अनमोल वस्तु जो है, वहां पे दूसरा चीज परमेश्वर लिखा है और वो है परमेश्वर तुम्हारा अनमोल वस्तु, इंग्लिश में जो लिखा है योर डिफेंस, तो वो तुम्हारा अनमोल वस्तु है। और तीसरा है चांदी के विषय में लिखा है, और चौथा है सुख पाएगा, चौथा चीज है सुख पाएगा, और पांचवा चीज है बायकट के बाइबल के अंदर लिखा है उठा सकेगा, मतलब तेरा चेहरा बाइबल में लिखेंगे उठा सकेंगे क्योंकि खुदा तुम्हें उठाएगा। इसी ये पांच आशीष वहां पे आयुब से बताया गया, ये वचनों को भी लिखा गया, ये सभी के लिए लिखा गया ताकि हम इस बातों को समझ ले। इसलिए हमें खुदा के सामने तेशवा करना है, उसके समीप आकर, और दूसरा चीज हमें प्रार्थना भी करना है। आयुब की किताब 22वां अध्याय 27 वचन लिखता है, आयुब 22:27, जोब 22:27, वहां पे लिखा है तू उसे प्रार्थना करेगा और वह तेरे, बाइबल लिखा है तेरी सुनेगा, बाइबल के अंदर लिखा, तो प्रार्थना भी करना है। तो आज देखो बहुत से लोग बाइबल के अंदर, इसलिए बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना करने में थकना नहीं। कॉर्नेलियस की प्रार्थना खुदा ने सुना, उनकी दान धर्म जो भी वो करते थे खुदा ने वो भी ग्रहण किया। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप पुराने नियम नए नियम दोनों में पढ़ते तो बहुत से लोग ने काफी समय प्रार्थना में बिताया, जैसे दाऊद राजा 3 बार प्रार्थना करते थे, दानियल 3 बार करते थे, वैसे हम प्रार्थना हमारी विश्वास की जीवन के अंदर एक बड़ा खंभा है। इसलिए आयुब के वचन में यहाँ पे ये दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रार्थना करना है, लौटना भी है प्रार्थना भी करना है, तीसरा जो है कि मन्नतों को पूरी करेगा, जो भी मन्नत है मतलब जो भी हम परमेश्वर से चाहते हैं वो वचन आयुब की किताब 22वां अध्याय 27 वचन जो चैप्टर 22:27 वहां पे लिखा है और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। तो ये मन्नत जो शब्द है ये हिब्रानी भाषा में टिकटो का मतलब है उत्पादन करना, मतलब जो भी आप उत्पादन करते हैं उसमें से खुदा को हमें देना है। तो ये देने के विषय में यहां पे लिखा गया हमें देना है, जैसे हम आज विश्वास करते हैं तो हमें दशांश देना है, पेट देना है, और पहला जो फल है वो हमें देना है, मदद करना है। तो हमें खुदा की ओर लौटना भी है, प्रार्थना भी करना है, और हमें बाइबल के अंदर लिखा है टिकटो मतलब हमें देना भी है। तो हमें देने के विषय में भी खुदा ने वचन के अंदर लिखा गया, देने से आशीष है, लेने से हम गरीब होंगे, तो देना वचन में लिखा गया। इसलिए हर बार वचन में ये बातों को लिखा गया। इसलिए भजन संहिता 66वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन, Psalm 66:13-14, तो ये वचन में आप पढ़ेंगे 66 उसका 13 और 14 वचन में लिखा है मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी, बाइबल के अंदर लिखा है पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर, बाइबल में लिखा है मानी और संकट के समय कही थी। तो कई बार हम संकट में खुदा से बहुत प्रार्थना करते और कहते हैं कि प्रभु तू अगर मुझे आशीष करेंगे तो मैं मंडली में ऐसा करूंगा, लोगों को दूंगा, मैं जो भी देना है सब दूंगा, और कुछ चीज हम कहते हैं लेकिन ठीक होने के बाद हम सब भूल जाते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कि हमने संकट में जो भी कही है वो भी हमें करना है, मुंह से हमने मुंह खोलकर अगर मानी है तो हमें उस बातों को पूरा करना है। यहां पे देखो मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, तो आज हमें खाली हाथ नहीं जाना है, खुदा के सामने जब जाते कुछ लेकर हमें जाना है। तो व्यवस्था विवरण इसका 16वां अध्याय 16 वचन ड्यूटरोनोमी चैप्टर 16:16 में लिखा है कोई व्यक्ति चूची हाथ परमेश्वर के सामने ना आए, मतलब खाली हाथ परमेश्वर के पास आना नहीं। इसलिए आज हम जब इकट्ठे होते हम अपना दान अर्पण करते इसलिए ताकि खुदा हमें आशीष करे। इसलिए लूका की किताब 6वां अध्याय 38 वचन में भी लिखा है देव तो तुम्हें दिया जाएंगे,
लूक चैप्टर 6:38 ये भी वचन हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखेगा कि हमें देना है, इसलिए देंगे तो आशीष है, लेंगे तो हम गरीब बनेंगे। इसलिए बाइबल एक किताब है जो हमें देने के लिए सिखाते हैं। इसलिए विश्व में सब राष्ट्र में जो लोग खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं वो देने में आगे होता है, क्योंकि वचन में लिखा गया। इसलिए हमें पश्चाताप भी करना है, तेशवा भी करना है, प्रार्थना भी करना है, देना भी है। और चौथा चीज है बात को उठाने, कोई भी बात अगर हम बात को उठाने तो उसको भी हमें वैसा जब करेंगे तो आशीष करेंगे। इसलिए इसी के विषय में आयुब के किताब 22:28 में लिखा है, जोब चैप्टर 22:28 वहां पे लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगी। तो मार्गों पर प्रकाश रहेगी, तो ठाने मतलब इंग्लिश में डिग्री, डिग्री का मतलब है गाजर, गाजर का मतलब है जो निर्णय हम करते हैं, तो निर्णय अगर करता है तो उसके ऊपर अगर प्रकाश अगर पड़ना है तो हमें परमेश्वर से तेशवा करना है, क्षमा मांगना है। जब क्षमा करेंगे तो हमारा जो भी निर्णय हमने किया, जो भी बातें हम ठाने, तो गॉड उस कामों को जरूर आशीष करेंगे। इसलिए चार चीज हमने देखा कि तेशवा का चार महत्वपूर्ण कार्य। पहला चीज हमने देखा कि हमें तेशवा मतलब लौटना है और प्रार्थना करना है, मन्नतों को बाइबल में लिखा है पूरी करना है और बातों को ठाने, तो ये चार चीज हमें करना है। और चौथा जो विषय है वो है कल्याण, सुख और बचना, उसी के विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे या छुटकारा के विषय में। आयुब के किताब 36:11 इसका 8-11, तो ये 36 इसका 8-11 आयुब दैट इज जॉब 36:8-11 यहां पे लिखा है, चाहे वे बेड़ियों में झगड़े, आयुब के अंदर लिखा है झगड़े जाए, और बाइबल में लिखा है दुख की रस्सियों से बांधे जाए, बाइबल के अंदर लिखा है तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका ये अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है, वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। बुराई से दूर रहे मतलब बुराई से लौटे या बुराई से तेशवा करे, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से। तो कल्याण और सुख आपके जीवन में चाहिए, अगर दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं तो अगर हमें ये होना है तो हमें खुदा के सामने लौटना है, तेशवा करना है। अगर करेंगे तो हमारा दिन हमारा वर्ष सुख से हम बिता सकेंगे। और इसी के विषय में और एक चीज आयुब की किताब में लिखा गया, आयुब 33:27-30 जॉब चैप्टर 33:27-30 में लिखा है, वे मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया, उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है। तो वो बचाता भी है, वो कल्याण भी कर सकता है, सुख भी दे सकता है, छुटकारा भी बचा भी सकता है, बचाया है। मेरा जीवन उजियाले को देखेगा, देख ऐसा ऐसा सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ दो बार क्या वरन तीन बार भी करता है, जिससे उसको खबर से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है कोई भी व्यक्ति आज खुदा स्वर्ग से ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके सामने तेशवा करे। तो जैसे मैंने कहा तेशवा हमारा जो शक्तिमान परमेश्वर है यशुआ,
उसी के सामने हमें करना है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं सुनेंगे तो पांचवा जो विषय है वो है ना सुने। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुदा के वचन सुनने पर भी ना सुने तो आयुब की किताब में एक वचन लिखा है, आयुब की किताब 36 इसका 12 वचन, जो चैप्टर 36 वर्स 12 वहां पे ऐसा लिखा है, परंतु यदि वह ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते और जाते हैं और अज्ञानता में, बाइबल में लिखा है, मरते हैं, अज्ञानता में मरते हैं, तो इसलिए वो नष्ट हो जाता है। अगर कोई खुदा के वचन नहीं सुनता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए खुदा ये 40 दिन जो हमें अगस्त 9 तारीख से जो तेजवा की जो समय शुरू हो गया, 40 दिन का शुरुआत, वो सितंबर जो 10वां दिन है मतलब सितंबर 16 तारीख तक 40 दिन जो है ये तेजवा की समय है। इसलिए आप सभी से विनंती है बार बार खुदा से क्षमा मांगे और उनके लिए दुआ करे, अपने लिए करे, ताकि खुदा दया करे और आने वाले साल जो है नागरिक पंचांग के अंदर उसी के आधार पर खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो ये जो विषय है इसी को ध्यान पूर्वक समझ लेना। इसलिए आज जो विषय हमने लिया तेजवा सर्वशक्तिमान की ओर, और सर्वशक्तिमान है यशवा, इसलिए हमारी तेजवा यशवा के पास जाना चाहिए क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा है। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में फंसे हुए लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें ताकि खुदा उन्हें आशीष करे, चंगाई दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह, आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन धन्यवाद करते। आप हमारा तेजवा बनकर आज हम यीशु से प्रार्थना करें, खुदा हमारे सब अपराधों को क्षमा कर, हम आपके ओर लौट रहे प्रभु, हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए प्रभु आप हमें सिखा। इस समय के अंदर हम तमाम भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें, यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, कर्जे, अलग अलग समस्या के अंदर यदि कोई फंसे प्रभु हम प्रार्थना करें, आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग सभी के ऊपर दया कर, आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद कर चाहता हूं कि आप ये YouTube चैनल के अंदर खुदा के पवित्र कलाम को सुन रहे। इस वचनों के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे, आपके ज्ञान समझ बढ़े और हम अपने आप को यीशु मसीह खुदावन यीशुआ की आने के समय तक अपने आप को हम तैयारी करें, यही हमारी प्रार्थना है। तो विदा होने से पहले प्रभु आप सबों को आशीष करे, जब तक हम फिर न मिले खुदा आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।